टीनू वर्मा, देश में बहुत कम सिने प्रेमी ऐसे होंगे जो इन्हें इनके असली नाम से अच्छी तरह से जानते पहचानते होंगे, लेकिन हम अगर कहें कि मेला फिल्म में गुज्जर का वो बड़ा ही धांसू किरदार इन्होंने ही निभाया था, तो आप में से ज्यादातर लोगों को याद आ ही जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये हैं बॉलीवुड के बड़े ही नायाब डायरेक्टर, एक्टर, स्टोरी राइटर, प्रोड्यूसर और स्टंट मास्टर। किस्सा टीवी आज लेकर आया है दिग्गज बॉलीवुड विलेन टीनू वर्मा की कहानी। टीनू वर्मा की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं को आज हम और आप जानेंगे। 2 सितंबर 1989 को मुंबई में जन्मे टीनू वर्मा का फिल्मी दुनिया से वास्ता खानदानी है। इनके पिता बद्री प्रसाद वर्मा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे और 60 और 70 के दशक में एक्शन फिल्मों में घोड़ों की सप्लाई का काम किया करते थे। इस दौरान उन्होंने खुद भी उस दौर के कई स्टार्स के बॉडी डबल्स के तौर पर काम किया। काम में तरक्की मिली तो इनके पिता अपने परिवार सहित मुंबई आ गए। टीनू वर्मा की पढ़ाई लिखाई और परवरिश मुंबई में ही हुई। बाद में पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए टीनू भी फिल्मों में आए और बतौर एक्शन डायरेक्टर फिल्मों में काम करने लगे। पहली दफा इन्होंने फिल्म शोला और शबनम में एक्शन डायरेक्टर की हैसियत से काम किया था। फिल्म कामयाब रही तो इन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह में भी एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला और फिर तो इनकी किस्मत फिल्म इंडस्ट्री में चल निकली। बतौर एक्शन डायरेक्टर इन्होंने आंखें, हिम्मत, लोफर, जीत, राजा हिंदुस्तानी, गदर एक प्रेम कथा, जानी दुश्मन जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। स्टंट डायरेक्टर के तौर पर हिट होने वाले टीनू वर्मा का एक्टिंग करियर उतना खास कभी नहीं रहा। यूं तो इन्होंने साल 1993 में आंखें फिल्म से ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। इस फिल्म के स्टंट डायरेक्टर भी ये खुद ही थे और फिल्म में एक बड़ा छोटा सा किरदार भी इन्होंने निभाया था, लेकिन उस किरदार को किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर 1996 में रिलीज हुई हिम्मत फिल्म में भी ये नजर आए, लेकिन इसी साल आई सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म घातक में कातिया के भाई के किरदार में इन्होंने बड़ी शानदार एक्टिंग की थी। इस रोल में इन्हें काफी पसंद भी किया गया था और इनके इसी काम के चलते इन्हें इनके एक्टिंग करियर का सबसे शानदार रोल मिला, जो था मेला फिल्म में गुज्जर का रोल। जी हाँ, मेला इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें टीनू आनंद मेन विलेन बने थे और इनके काम को बेहद पसंद भी किया गया था। खूंखार डकैत गुज्जर के किरदार में टीनू इस कदर उतरे कि जिसने भी इन्हें देखा वो इनका फैन बन गया था। मेला फिल्म के बाद टीनू ने मां तुझे सलाम, सौतन और द वीकेंड जैसी फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन फिर कभी एक्टिंग में इन्हें वो रुतबा हासिल नहीं हुआ जो मेला फिल्म में गुज्जर का किरदार निभाने के बाद इन्हें हासिल हुआ था। इन्होंने दुल्हन चाही पाकिस्तान से और लैला मजनू नाम की भोजपुरी फिल्मों में भी एक्टिंग की थी। गुज्जर के किरदार के बाद अगर इनका दूसरा सबसे लोकप्रिय किरदार कोई माना जाता है तो वो है कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ टीवी शो कर्मफलदाता सनी में इनका निभाया शुक्राचार्य का किरदार। इस किरदार में दर्शकों ने इन्हें खासा पसंद किया था। भोजपुरी फिल्मों और छोटे पर्दे पर भी टीनू काफी सक्रिय रही हैं और कई टीवी शोज और भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनकी पत्नी का नाम वीना वर्मा है और वीना और इनके दो बेटे हैं। कहा जाता है कि एक दफा टीनू वर्मा और ममता कुलकर्णी भी अफेयर में पड़ गए थे, लेकिन जब ये बात टीनू वर्मा की पत्नी वीना को मालूम चली तो उन्होंने काफी हंगामा किया और उसके बाद आखिरकार ममता और टीनू अलग हुए। वहीं बात अगर इनके पिता बद्री प्रसाद वर्मा के बारे में करें तो उन्होंने दो शादियां की थी। पहली शादी से उन्हें टीनू वर्मा, पप्पू वर्मा और महेंद्र वर्मा नाम से तीन बेटे हुए, जबकि दूसरी शादी से भी उन्हें तीन बेटे हुए जिनके नाम हैं भीखू वर्मा, मनमोहन वर्मा और जीतू वर्मा।
माता पिता की मौत के बाद टीनू वर्मा का अपने सौतेले भाइयों संग संपत्ति का विवाद भी हुआ था। ये उस समय चर्चाओं में आ गए थे जब इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने अपने सौतेले भाई मनमोहन वर्मा पर तलवार से हमला किया है। तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था। टीनू वर्मा इन दिनों फिल्म लाइन से जरा दूर हो चुके हैं। इनके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट भी नहीं है, लेकिन किस्सा टीवी आज भी टीनू वर्मा जैसे कलाकारों को याद करता है और ऐसे कलाकारों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। किस्सा टीवी उम्मीद करता है कि उसके सभी दर्शक भी ऐसा ही सोचते होंगे। जय हिंद। Thank you.